दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाई कॉलेज स्टोरिया डॉट इन। अगर आपको इंडिया के किसी भी स्टेट में कोई भी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में मैनेजमेंट थ्रू एडमिशन चाहिए, या फिर वो मेडिकल कॉलेज हो या फिर वो MBA कॉलेज हो, किसी भी कॉलेज में आपको मैनेजमेंट कॉन्टैक्ट थ्रू एडमिशन चाहिए, मतलब कि डायरेक्ट एडमिशन, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई भी स्टेट में, दिल्ली हो, बैंगलोर हो, चेन्नई हो, कोलकाता हो, मुंबई हो, भोपाल हो, किसी भी स्टेट में, इंडिया के कोई भी स्टेट में, कोई भी कॉलेज में अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन चाहिए या फिर आपको अपना काउंसलिंग करवाना है उनके एक्सपर्ट काउंसलर द्वारा, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप इनसे कॉन्टैक्ट करने के लिए विजिट कर सकते हैं collegestoria.co.in एंड फॉर मोर कॉन्टैक्ट डिटेल यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आशुतोष और आप देख रहे हैं हमारा चैनल आई सेकंड में जेई। और आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का। आज के इस वीडियो में मैं इस कॉलेज का फुल इंटरव्यू करूंगा और आपको अपने लास्ट में ओपिनियन दूंगा कि आपको इस कॉलेज एडमिशन लेना वर्थिट होगा या फिर नहीं होगा। तो इस वीडियो कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, इस वीडियो को अभी से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कैंपस से। दोस्तों कैंपस 1979 में बना था, कैंपस बहुत पुराना है, ठीक है। नागरवावी बंगलोर कर्नाटक में सिचुएटेड है, नियर रिंग रोड है वहाँ पे एक, वहाँ पे आपको सिचुएटेड है, बंगलोर में ही सिचुएटेड है, ठीक है। सिटी ज्यादातर नहीं, सिटी से बहुत पास में है, ठीक है। और प्राइवेट कॉलेज है, ऑटोनोमस है, VTU से अफिलेटेड है, AICTE अप्रूव्ड है और NBA अप्रूव्ड है। 26 एकड़ का कैंपस मिल जाता है आपको, बहुत बड़ा कैंपस है इसका, ठीक है। अच्छा बड़ा कैंपस है, पुराना कैंपस है बट बड़ा कैंपस है, ठीक है। लाइब्रेरी, हॉस्टल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, वाईफाई कैंपस है, लैब्स मिल जाता है, सारे तरह के कैफेटेरिया है, हॉस्पिटल और मेडिकल फैसिलिटी है, ऑडिटोरियम है, अगर आप बस सर्विस लाना चाहते हैं तो वो भी मिल जाता है आपको यहाँ पे, कन्वीनियंस स्टोर भी है, तो सब कुछ यहाँ पे आपको इस कैंपस में मिल जाता है। मैं आपको कुछ पिक्चर दिखाता हूँ कैंपस का, तो आप देख सकते हैं ये कैंपस का पिक्चर हुआ, छोटा सा गार्डन वगैरह सब कुछ है कैंपस के आगे में, मेन बिल्डिंग के आगे में, ठीक है। ये आपको प्लेग्राउंड हो गया छोटा सा। वैसे आप इसका और डिटेल कैंपस टूर आप इनके वेबसाइट पे या फिर गूगल यूट्यूब पे कहीं पे भी आप जाकर ले सकते हैं, डिटेल आपको कैंपस टूर वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। बड़ा कैंपस है, अच्छा कैंपस है बट थोड़ा पुराना कैंपस है, ठीक है, इस बात को ध्यान दिया जाए। रैंकिंग की अगर बात करेंगे तो इसको NRF रैंकिंग 2021 में बीटेक के लिए 251 मिली, मतलब कि जितने कॉलेजेस अंडर आते हैं NRF रैंकिंग अंदर में, इंडिया के जो भी कॉलेजेस आते हैं NRF रैंकिंग अंदर में, उसमें से इसको 251 रैंकिंग मिली, मतलब अच्छा खासा है। मतलब जैसे आप मानिए कि NRF रैंकिंग में कितना है, तो आपको लगभग 330 कॉलेजेस अभी है NRF रैंकिंग के अंदर में, तो उसको 251 रैंकिंग मिली है बीटेक के लिए। कोर्सेज कौन कौन से कर सकते हैं आप यहाँ से, तो बीई कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, एमसीए कर सकते हैं, एमटेक कर सकते हैं। तो बेसिकली हम बात करने वाले हैं बीई के बारे में। अगर आपको बीई में एडमिशन लेना है तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, तो आपको क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर करना चाहिए, तो वो आपको है 45% एग्रीगेट मार्क्स चाहिए होगा PCM में, PCM 10+2 पास होना चाहिए आपको, ठीक है, PCM के साथ, और आप 45% एग्रीगेट मार्क्स स्कोर कर रहे हो PCM में। तो अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्लियर कर रहे हैं तो आप इसमें एलिजिबल हैं इंजीनियरिंग करने के लिए। बात करते हैं कि इसमें आप कैसे कैसे एडमिशन ले सकते हैं, तो कॉमेडिकल से, KCET से डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, कॉमेडिकल उन बच्चों के लिए जो कि कर्नाटक के हैं और कर्नाटक के बाहर के हैं, और KCET उन बच्चों के लिए है स्पेशली जिनका डोमिसाइल कर्नाटक का है, जो कर्नाटक के हैं, ठीक है। और अगर आप मान लीजिए इन दोनों इंटर एग्जाम के थ्रू नहीं जाना चाहते या फिर इन दोनों इंटर एग्जाम थ्रू आपका प्रेफर्ड ब्रांच नहीं मिल रहा है, तो आप डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं। डायरेक्ट एडमिशन लेने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगा, जाके एक बार कॉन्टैक्ट कर लीजिए, आपको सब कुछ अफोर्डेबल रेट्स में एडमिशन दिलवा देंगे, सारा डिटेल्स वगैरह सब कुछ बता देंगे, तो जाके एक बार कॉन्टैक्ट जरूर कर लीजिएगा अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन चाहिए। तो बात करते हैं यहाँ पे इंजीनियरिंग के अंदर कौन कौन से स्ट्रीम्स कर सकते हैं आप इस कॉलेज में, तो आपको 11 स्ट्रीम्स अवेलेबल है, जो कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। तो ये सारी इंजीनियरिंग आप यहाँ कर सकते हैं, आपको जो भी प्रेफर्ड ब्रांच है आप यहाँ पे सिलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं अपने इंजीनियरिंग डिग्री में, ठीक है। बात करते हैं सीट मैट्रिक्स की, तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस की 180 सीट्स है, ISC की 60 सीट्स है और ECE की 180 सीट्स है। ECE और CSE की तो अच्छे खासे सीट्स है बट ISE का बहुत कम सीट्स है, और ही सीट्स पे डिवीजन होता है कमेंट के KCET और डायरेक्ट एडमिशन, तीनों टाइप के एंट्रेंस का, ठीक है, तीनों टाइप के बच्चों का इन्हीं सीट्स में डिवीजन होता है परसेंटेज, ठीक है। हॉस्टल के बारे में बात करते हैं, तो बॉय हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल दोनों आपको कैंपस के अंदर में ही हॉस्टल मिल जाता है। बॉय हॉस्टल में 2 हॉस्टल है और गर्ल्स हॉस्टल में 4 हॉस्टल है टोटल, ठीक है, तो आप जाके इनके वेबसाइट पर डिटेल हॉस्टल के बारे में जाके देख सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं कट ऑफ की, कॉमेडी के लास्ट ईयर की, तो आपको क्लोजिंग रैंक में बात करूंगा, तो कंप्यूटर साइंस का 14,876 क्लोज हुआ था, ISE का 18,554 क्लोज हुआ था और ECE का 37,701 क्लोज हुआ था। तो कट ऑफ देख सकते हैं, कट ऑफ ना ज्यादा नीचे गया है ना ज्यादा ऊपर क्लोज हुआ है, कट ऑफ ठीक ठाक है, एवरेज का कट ऑफ है। अगर आपका मान लीजिए 15,000 के करीब में आता है, 14 से 15,000 करीब में, तो आप इसमें कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं लास्ट राउंड तक, ठीक है, डिफिकल्ट होगा बट ले सकते हैं, एज
अगर हम पिछले ईयर को देखें तो, पिछले ट्रेंड्स को देखें तो, ठीक है, तो आपको लगभग यहाँ पर कंप्यूटर साइंस के लिए 10 to 15,000 के बीच में वैरी करना होगा। अगर 15,000 से नीचे जाता है तो आपको इसमें कंप्यूटर साइंस मिलेगा बहुत कम चांस होता है, ठीक है। अब बात करते हैं फीस के बारे में, तो सबसे पहले हम बात करें अकेडमी फी के बारे में, तो अकेडमी फी आपको जो पर ईयर लगने वाला है वो लगने वाला है 2,32,270 रुपीज। नोट कीजिएगा ये जो फी है वो लास्ट ईयर का है, इस ईयर का फी अभी नहीं डिक्लेयर किया गया, तो इस ईयर का फी जो आएगा उसको हम फाइनल फी डिस्कशन करेंगे, ठीक है, आप भी उससे कैलकुलेट कर सकेंगे, ठीक है, आपको कमेटी की वेबसाइट पर आ जाएगा। बट जो प्रीवियस ईयर जो फी रहा है उसके हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें 4 साल का, तो हमारा कितना था वो हम देख लेते हैं। इसको हम 4 साल मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 4 साल का एक्सपेंडिचर आ जाएगा अकेडमी फी का, तो वो हमारा लगभग आता है 9,29,080 रुपीज, ठीक है, ये आपको आता है 4 साल का अकेडमिक फी, ठीक है। अब बात करते हैं हम हॉस्टल और मेस फी का, मतलब अकोमोडेशन फी का, तो वो लगभग यहाँ पे 77,000 पर ईयर अप्रोक्सीमेटली लगने वाला है, तो इसका भी हम 4 साल का निकाल लेंगे, तो ये हमारा आता है 3,08,000, ठीक है, ये हमारा 4 साल का क्या आ गया अकोमोडेशन फी। तो हमारा अकेडमिक फी और अकोमोडेशन फी दोनों हमने कैलकुलेट कर लिया, अब हम टोटल एक्सपेंडिचर निकालेंगे, तो अकेडमिक फी हमारा आ रहा है 9,29,000 करीब में, 9,30,000 मान लेते हैं, और हॉस्टल फी और मेस फी आ रहा है 3,08,000, मतलब उसको 3,10,000 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हम लगभग से लगभग यहाँ पे आ जाएगा 13,40,000, ठीक है, 13.4 लाख करीब, मतलब मान लीजिए 13.5 लाख यहाँ पे खर्च कर रहे होंगे इंजीनियरिंग कंप्लीट करने में, ठीक है, तो यहाँ पे आपको इंजीनियरिंग कंप्लीट करने में 13.5 लाख करीब में खर्च हो जाएगा, ठीक है, उससे ज्यादा खर्च नहीं होगा। तो यहाँ पे फी भी ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं हम बोलेंगे, ठीक है, अफोर्डेबल है, अच्छा खासा फी, इतना नॉर्मल फी जो है, इतना एवरेज फी जो है आपको बैंगलोर का सारे प्राइवेट कॉलेज में लगभग इतना लगता ही लगता है, ठीक है, तो ये फी अफोर्डेबल है और इतना फी नॉर्मल है, ये लगेगा ही लगेगा लगभग सारे कॉलेजेस में, तो लगभग 13.5 लाख में यहाँ पे आप इंजीनियरिंग खत्म कर रहे हैं, बाकी आपका अपना एक्सपेंडिचर होगा जो बाहर में आप करेंगे, जो अपने आप खुद भी करेंगे, ठीक है, वो डिपेंड करता है आप पे, आप वो खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप कितना खर्च करने वाले, ठीक है, अपने हिसाब से। अब बात करते हैं प्लेसमेंट के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तो इसका हाइस्ट पैकेज जो लगा जो पिछले ईयर प्लेसमेंट 2021 में, उसमें 25 लाख पर एनम हाइस्ट रहा और एवरेज पैकेज रहा 7 लाख पर एनम, और एवरेज पैकेज में देखा गया है कि बहुत अच्छा जंप आया है, वेबसाइट पर अपलोड किया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है ईयर वाइज ट्रेंड और नंबर ऑफ कंपनीज कितने आए, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने ऑफर उनको ऑफर मिला, फिर एवरेज पैकेज क्या रहा, तो 2021-2022 का बात किया जाएगा इस ईयर का प्लेसमेंट का, तो 70 कंपनीज टोटल आए, उसमें 800 ऑफर्स मिला और एवरेज पैकेज रहा 7 लाख पर एनम, तो आप जंप देख सकते हैं ईयर वाइज ईयर जंप कितना अच्छा हो रहा है इनका एवरेज पैकेज का, तो एवरेज पैकेज इस ईयर का जो है बहुत अच्छा रहा है, जो कि रहा है 7 लाख पर एनम, तो इसका पैकेज बहुत अच्छा रहा है एवरेज पैकेज, हाइस्ट पैकेज का यहाँ डिटेल नहीं दिया गया वेबसाइट पर, मुझे पता चला कि 25 लाख पर एनम लगा है। तो देखिए हम हाइस्ट पैकेज से किसी भी कॉलेज का डिटरमाइन नहीं करते हैं कि उस कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा, क्योंकि वो जो प्लेसमेंट है वो किसी लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मिलता है, 1-2 स्टूडेंट्स को मिलता है, बट जो एवरेज पैकेज है वो लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मिलता है या ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को मिलता है, तो ज्यादा मैटर करता है, ठीक है, वही डिसाइड करता है कि हमारा उस कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा है, तो उसका एवरेज पैकेज 7 लाख पर एनम जो कि बहुत अच्छा है। बात करते हैं ये कुछ और स्टैटिस्टिक्स इनके वेबसाइट पर दिया गया है कि नंबर ऑफ कंपनीज कितने आए ईयर वाइज, फिर आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने ऑफर हुए, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लगभग 2017-2018 में सबसे कम 2019-2020 में हुए थे, क्योंकि कोविड था उस टाइम, कोविड पिक पे था, बट इस ईयर जो है सबसे अच्छा यहाँ पे आया है लगभग, देखिए यहाँ पे क्लियर तो नहीं पता चल रहा है, बट यहाँ देखिए 70 कंपनी जाए और 800 ऑफर्स आए, ठीक, ऑफर्स बहुत अच्छा आया, ऑफर्स बहुत सारे, तो इस कॉलेज में आपको ऑफर्स भर भर के मिलेंगे, बट डिपेंड करता है कि आप कौन सा ऑफर ग्रैब करते हैं, आप प्लेसमेंट ले पाते हैं या फिर नहीं ले पाते, वो आप पे डिपेंड करता है। तो हमने अब सब कुछ बात कर लिया इस कॉलेज के प्लेसमेंट कैंपस फिर फी वगैरह सब कुछ के बारे में बात कर लिया, कोर्सेज वगैरह सब कुछ के बारे में, अब आपको मैं अपने ओपिनियन देता हूँ कि आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना वर्थ इट होगा या फिर नहीं होगा, क्या आपको इसमें एडमिशन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। सो मेरे हिसाब से ये कॉलेज में आपको एडमिशन लेना वर्थ इट होगा, आप अगर इसमें जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, अपने रैंक के हिसाब से मैंने आपको कट ऑफ भी बता दिया है, तो इस कॉलेज में एडमिशन लेना बिल्कुल वर्थ इट होगा, आप इस कॉलेज में आराम जा सकते हैं, अपॉर्चुनिटी आपको बहुत सारा मिलेगा, डिपेंड करता है कि आप कौन सा अपॉर्चुनिटी ग्रैब करते हैं, सो दैट विल बी माय ओपिनियन, दिस कॉलेज इज वर्थ इट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो दोस्तों, आई होप आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैसा है कैसा नहीं है। अगर आपको और भी कोई कॉलेज रिव्यू चाहिए तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, हम उस कॉलेज रिव्यू भी जरूर वीडियो बना देंगे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।